का भी ठीक नहीं लग रही। हाँ मैं तो शॉपिंग पर जाने का सोच रहा था। बीवी मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ मैं भी मजाक कर रहा था। चलो उठ रोटी पकाओ उठ के। लड़की लड़के से, क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहोगे? लड़का खुश होते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं। लड़की, तो जितनी दूर चांद है तुम भी उतनी दूर दफा हो जाओ। एक लड़की दर्जी की दुकान पर गई और बोली, क्या यहाँ गले मिलते हैं? दर्जी खड़ा होकर बोला, बिस्मिल्लाह जी, मिलते तो नहीं है मगर आप कहती है तो मिल लेते हैं। भाई क्या हुआ? साली ने फिर अनफ्रेंड कर दिया। एक टीचर के हजार अल्फाज इतनी तकलीफ नहीं देते जितना कमरे इम्तिहान में एक दोस्त की खामोशी आंखों में आंसू ले आती। नमाज पढ़कर भी जो लोग खुदा के न हुए, तुझे वो लोग हमारे दिखाई देते हैं। सारी उम्र करके बर्बाद इसकी इज्जत चख ली, उसने भी बुरका पहन लिया हमने भी दाढ़ी रख ली। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई, सोचा था छोड़ देंगे हम, कम वक्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। पठान लड़की से बोला, मेरे दिल में आ जाओ। लड़की गुस्से से बोली, सैंडल उतारू क्या? पठान, पागल का बच्ची ऐसे ही आ जाओ, ये मस्जिद नहीं पठान का दिल है। सूरत लड़कियां ज्यादा पढ़ाई नहीं करती क्योंकि वो जानती हैं कि दुनिया के किसी कोने में कोई बेवकूफ उनके लिए डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन ही रहा होगा। एक लड़की ने एक लड़के से इंटरनेट पे चैटिंग करते हुए पूछा, अगर हम लड़कियां ना होती तो क्या होता? लड़का, अल्लाह की कसम डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहिए। वो इसकी राहों में कमाल करती है, लिखती है आई लव यू और सेंड टू ऑल करती है। बाबा जी कहते हैं पुत्र, नींद आंखें बंद करने से नहीं वाईफाई बंद करने से आती है। आओ दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली दो फिर मिलकर चीखे मारते हैं। कुछ ताल्लुकात बिल्कुल छीन की तरह होते हैं, खत्म होने पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने को दिल करता है। लड़कों के जज्बात से खेलो, प्यार तो तुम्हें शादी के बाद अपने शोहर से ही होना है।